हम लोग वंस अगेन नफीस भट्ट साहब के पास आए हुए हैं और यहाँ पर जो फरमाइश थी लोगों की यार कुत्ते दिखाए गए ज्यादा क्वांटिटी के अंदर तो हम लोग पकड़ सिर्फ इतने ही सकते हैं। इसके अलावा 20-25 डॉग जो और भी हैं जो कि हम लोग पकड़ नहीं सकते यहाँ पे, तो आप लोगों का साथ बने रहना। सीरियसली आप लोगों को बहुत मजा आने वाले आज। यहाँ पर आप देख रहे हैं नफीस क्या क्या नाम है इनके, डिक्सी, फैंसी, ड्रामा क्वीन, स्टेला और पहला 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 कोने में बेचारी पहला साइड पर बैठी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या रिस्पांस मिला, कैसा लोगों ने पसंद किया आपको? मैंने सुना बड़ा प्यार दिया लोगों ने। जी बहुत प्यार दिया लोगों ने, बहुत शुक्रिया लोगों के प्यार का, और काफी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। लास्ट टाइम मेरे पास काफी तकरीबन मैंने बच्चे तो कम दिखाए थे, मेरे पास 40-45 बच्चे थे तकरीबन, लेकिन वो पहले भी कुछ बुक हो जाते हैं। जैसे अभी फीमेल ने लिटर दिया, अभी रिसेंटली अभी रात को लिटर दिया, लेकिन अभी हमने शो नहीं किया, ये दिखाएंगे क्योंकि इसमें से पपीज पहले ही इसके अंदर व्हाइट बच्चे आए हैं जो बहुत रेयर हैं। जी माशाल्लाह वो इंशाल्लाह जरूर दिखाएंगे पब्लिक को, इनमें से पहले ही पपीज बुक होते हैं सुनने को, फिर वो दिखाते हैं। क्या दिखा रहे हैं आप हमें हसन भाई? लास्ट टाइम तो हमने डॉग्स कुछ नहीं दिखाए थे, अभी कुछ अपने डॉग्स दिखाएंगे। नफीस शोर बहुत ज्यादा कर रही है, ये इसको जाने देते हैं, अगले डॉग्स भी खाते हैं। उसको हमने अंदर घुसा दिया, शोर बहुत ज्यादा डाल रही थी यार, वो अपने बच्चों के लिए भौंक रही थी। हाँ जी, वो उन्होंने रिसेंटली भी बच्चे दिए हैं, एक ये फीमेल है, अभी इसके भी पपीज हुए हैं। इसके कितने पपीज हैं अंदर? इसके तकरीबन 7 पपीज हैं। 7 पपीज हैं इसके। इसका नाम क्या रखा हुआ आपने? इसका नाम है इची। बड़ी फुर्तीली है नफीस भाई, ये बहुत एनर्जेटिक कुत्ती। बच्चे किधर हैं इसके? चले आपको बच्चे दिखाते हैं। नफीस भाई इनको थोड़ा सा दरमियान में करें जरा। नफीस भाई कितने दिन के हैं ये? ये तकरीबन 20 दिन के हैं। मजेदार गेम है यहाँ पे तो। अच्छा आपके पास हर टाइम पपीज रहते हैं? जी हमारे पास हर टाइम पपीज मिलेंगे इंशाल्लाह। अब ये बच्चों का मैं आपको फेस दिखाता हूँ, ये देख। ओहो बुढ़ा पापा फुल जुड़ियां पड़ी हुई है मुंह के ऊपर, चेक करें जरा। अब इसका यहाँ पे रोके रखे, साइड से मैं दिखाता हूँ क्या बात है। एक और डिजाइन भाई ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत कलर है, कलर भी खूबसूरत और बाबा है फुल फेस से जो है ना, तो ये जैसे जैसे डेवलप करेंगे अपने साइज को वैसे वैसे ये फेस भी करेंगे अपना। जी बिल्कुल। ये वाला भी दिखाएं जरा, क्या बात है माशाल्लाह प्यारे बड़े हैं। ये कितने हैं लिटर में आपके पास? ये देखें, ये तकरीबन ये सारे ब्लैक है, ये हल्का सा सिर्फ इसको मार्क आ गया, बाकी ये सारा ब्लैक है, टोटल ब्लैक है। हाँ जी, इसका भी फेस बहुत अच्छा है, फेस है इनको। नफीस भाई एक सेकंड के लिए वहां पे करें जरा, सारे नजर में आ जाएंगे दोस्तों की। अभी इन्होंने खाना खा लिया है ना, इसलिए जरा अभी लालच में नहीं। हाँ जी, ये भी सीरियलैक वगैरह इन्होंने खा लिया, मतलब इनिंग कर ली हुई है। बहरहाल मजेदार गेम है सीरियसली। बैठे अगर आप भी साथ, आपको भी कवर करें, आप भी साथ बैठे अंदर। ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? इधर आओ। अच्छा इधर देखे ना फिर भाई, ये चीज मेरे अजीज अब सारे आपके पास आ गए हैं। एक एक इधर है, हम लोग आगे चले। अच्छा आप क्या दिखाने लगे आप? अच्छा अब हम आपको दिखाते हैं कुछ नए फीमेल जो बाहर हमने बांध के फिर वीडियो के लिए आ जाए। ये देखें, ये की हमारा डॉग है ड्रैगन। ड्रैगन बड़ा फेमस एक नाम है। जी मैंने जी, बड़े लोगों से सुना है वो, क्या नाम, सनी भाई ने भी बताया था, अलीशा ने, काफी लोगों ने बताया कि ड्रैगन का बड़ा नाम है। ड्रैगन को बाहर निकाल सकते हैं आप लोग? थोड़ा एग्रेसिव तो है। ये देखें, ये ड्रैगन है और ड्रैगन बाहर आने लगा है। अंदर बड़ा वीआईपी है, इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है और यहाँ पर डॉग लड़ना पड़े इसलिए इनको केज में बंद किया हुआ है। ड्रैगन के मसल्स बड़े डेवलप हैं। अभी तो क्या एज होगी ड्रैगन की? तकरीबन 4.5 साल का। 4.5 साल का, तो ये इतना ज्यादा छोड़ने मारते थकते नहीं है जल्दी? इसकी क्वालिटी के बारे में कुछ बताएं आप। सर इसकी क्वालिटी के बारे में ये है कि वो कहते हैं ना, नाम भी काफी है, तो इसका नाम भी काफी है। मैंने इसका नाम बहुत सुना है जी।
इसके मसल्स वगैरह बॉडी पे हम देख सकते हैं इस टाइम प्रॉपर इसके मसल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। वाह, ये काटेगा तो नहीं नफीस भाई? मुझे ये काटेगा तो नहीं? इसके आप लोग मसल्स चेक करें, चेस्ट चेक करें। पूरा शेड लग रहा है नफीस भाई, इसके भी बच्चे अभी फीमेल दिखाई है जो अभी पहले मेरे साथ बैठी हुई थी लूसी, उसके बच्चे आए जिसके व्हाइट बच्चे निकले हैं, मतलब ये व्हाइट ब्लड भी मारते हैं इसमें से। बहुत आला, मजा आ गया। और अगला क्या दिखा रहे हैं? यार ये ड्रैगन सीरियसली जितना का नाम सुना ना उससे ज्यादा बला चीज है ये। ड्रैगन के साथ जो बंद है इसका क्या नाम है? ये फीमेल है फैंसी, ये भी 9 मंथ की है, ये भी इसी की बच्ची है। वो जो मेरे पास फीमेल थी लूसी उसकी बच्ची है। उसके बाद ये देखिए बंद 10 महीने बताया ना? नहीं नहीं, ये सॉरी ये ड्रामा क्वीन 10वां की है और ड्रैगन की बेटी है ये ड्रामा क्वीन। और बेला जो है बेला इम्पोर्टेड है ना? बेला इम्पोर्टेड है। और नफीस भाई इसके अलावा? उसके अलावा जी ये हमारा ब्लैक बुल, ये तो हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी दिखाया था। ये तो अच्छी बात है, इसको हमने टिकटॉक पर उड़ाई थी अपने ब्लैक बुल। इसका जो फेस है ना इसे पूरा स्माइली देता है। जी जी जी, बड़ा बाकी ये क्या चीज है जी? ये दो फीमेल्स ही हैं, ये भी हमारी होम ब्रीड की हैं। बैठे जरा साथ में। अच्छा, इस फीमेल को आपने एक्सरसाइज को करवाई है कि इसके नेचुरल मसल्स हैं जो नजर आ रहे हैं? ये नेचुरल मसल्स हैं। ये कितने साल की होगी? ये भी 10 माह की है। ये भी 10 माह की, तो भी छोटी है बिल्कुल। ये भी पट्टियां तैयार हुई है अभी नहीं है। इसकी मदर भी आपको दिखाते हैं, इस फीमेल की। ठीक है, इसके साथ क्या चीज है ये? ये जो है ना ये भी स्टाइल है, ये दोनों बहने हैं। दोनों बहने हैं ये? ये जो मैंने भी आपको पहले लूसी दिखाई है फीमेल, ये उसकी बच्ची है। ये भी लूसी की बच्ची है ड्रैगन की। ये आपस में लड़ती नहीं आपकी फीमेल? नहीं नहीं, ये लड़ती नहीं, ये किसी पर नहीं। वैसे तो मैंने सुना काफी अग्रेसिव होते हैं, लड़ पड़ते हैं आपस में? ये बिल्कुल लड़ पड़ते हैं, देखिए रखने पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे बचपन से कुत्ते को कैसे ट्रीट करते हैं, तो वो इंशाल्लाह हो जाते हैं। ये सारे सोशल होते हैं बचपन से ही, ये सारे इकट्ठे पले हैं बच्चे जो है। सही है, ये अंदर एसी वगैरह भी इन्होंने लगाया हुआ है और ये आउटर भी लगाया हुआ है सामने, जो अंदर उसकी सारी स्मेल वगैरह हमारे ऊपर मिलान कर रही है। बाकी इधर अब ये फीमेल है डिक्सी, इसकी ये जो फीमेल हमने ब्राउन देखी है इसकी मदर ये है बिक्सी। इसकी मदर है ये, वो जो ब्राउन फीमेल दिखाई है। इसकी एक और भी बच्ची थी ना, वो कौन सी थी इसकी? जो लास्ट टाइम हमने फीमेल दिखाई थी जिसने बच्चे दिए हुए थे, वो भी इसी की बच्ची थी बिस्की। जिसने ये दो बच्चियां इसकी हैं, वो एक लेदर लीटर में से है, ये लेदर लीटर में से, दोनों बाप इनका ड्रैगन है उसका भी और बिस्की का भी, वो ड्रैगन और डिक्सी ये इनके बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, दोनों इसके बच्चे हैं। ये यार बड़ी अजीबोगरीब सी चीज आपने बांधी है, इसे देख मुझे डर लग रहा है। ये कुबा, कुबा इसको आप इधर आ सकते हैं दरमियान में? जी नफीस भाई ये मेरे पे तो नहीं छूट जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखने में बड़ी डेंजर चीज लग रही है ये। अच्छा, इसके बारे में बताएं नफीस भाई जी। ये हमारे पास मेल है कैस्पर, कैस्पर ये उसका बच्चा है। वो बिल्कुल 6-pack 1-bag वाला सीन है, पूरी प्रॉपर चेस्ट बनी हुई है इसकी। अच्छा, वो मेरा ख्याल डर रही है इसे शायद, वो मेरा ख्याल डर रही है इसे, वो इसे डर रही है, डर रही है। आप बैठे मेरे साथ। अच्छा, ये भी इसका भी नेचुरल है या इसको एक्सरसाइज दी हुई है? देखिए वैसे तो एक्सरसाइज भी हम करवाते हैं सारे डॉग्स को, तो पर कुछ इनका नेचुरल है, कुछ नेचुरल है। इसको एक्सरसाइज दी है आपने? एक्सरसाइज सारे कुत्तों को हल्की फुल्की एक्सरसाइज मिलती है, हल्की फुल्की देते रहते हैं। इसकी क्या एज होगी? इसको 2.5 साल का होगा। 2.5 साल का होगा। आपके कैनल का सबसे हैवी डॉग आपका ड्रैगन है? जी ड्रैगन। सेकंड नंबर पे ये आता है? सेकंड नंबर पे ये मालती जो कालू है, कालू आता है। कालू तो भाई उसका तो फेस, मतलब इसका भी फेस बहुत बड़ा है, लेकिन उसका यहाँ से जो स्माइल है ना बहुत हैवी है उसकी। देख हमारे में तो सारे डॉग्स बेहतरीन है। ये थक क्यों नहीं रहा सर? ये अभी इसको टायर दिखा दें तो ये हमें थका देगा। ये हम मेरा ख्याल 15-20 मिनट तो हो गए इसको काबू में करते हुए। सर ये हमने वीडियो बनाने से पहले पहले इसको थकाया थोड़ा बहुत ताकि ये हमारे काबू में आ जाए, लेकिन ये अभी भी जो है ना काम कर रहा है। ये तो अगर ये टायर देख ले फिर तो ये इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसको एक यहाँ पर ये फीमेल आपको नजर आ जाती है, उसके बाद यहाँ पर एक ये नजर आ जाते हैं फीमेल,
उसके बाद ये ब्लैक बुल आपको नजर आ जाता है, फिर वो कैस्पर, कैस्पर ने बताया, कैस्पर अभी गया दोस्त की तरफ, ये दो नजर आ जाते हैं इसके बाद।